नमस्कार, प्रथम खबर सह शक्ति साय मिश्र आगक बढ़िया किंतु प्रथम देखने कौन रही बर्तमान हेडलाइंस। विधायक प्रदीप पाणिग्राही घर विजिलेंस चढ़ऊ, दीर्घ 22 घंटा पर जेरा सारी प्रदीप सरकारी बासभवन बाहर विजिलेंस टीम। राति तमाम प्रदीप को जेरा करुथिले विजिलेंस अधिकारी, उपस्थित थिले परिवार और संपर्क। उपकूल ओडिशा रे सक्रिय रही लघुचाप प्रभाव में राज्य कतेक स्थान में वर्षा जारी। 4 जिले में प्रबल वर्षा नहीं पानीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी। आहुरी गोटे दिन मत्स्यजीवी को समुद्र प्रवेश मना। केरल रे प्रकृतिर तांडव, प्रबल वर्षा पर बन्या स्थिति, विभिन्न स्थान में भूस्खलन, 21 मृत, अनेक निखोज। 6 जिला को रेड आलर्ट, उद्धार कार्य सेना और एनडीआरएफ। केरल मुख्यमंत्री कथा हेले प्रधानमंत्री मोदी। आज अपराह एआईसीटीई आईओएसआर मध्य हेब एमओयू स्वाक्षर। कार्यक्रम में जोगदेवे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम इंग्राजी पुस्तक हेब ओडिया अनुवाद। छात्र छात्री इंजीनियरिंग होगा स्वप्न हटव भाषा प्रतिबंधक। कलाहांडी सनसाइन पब्लिक स्कूल प्रिंसिपाल ममिता एवं केउठी, अर्गस सतरे ममिता भाई एफआईआर कपि। गोविंद साहू अपहरण करिथिबा एतलार उल्लेख, अभियुक्त नारे दफा 366 लगाई सिंधेकेला पुलिस, तदंत आरंभ करिछि पुलिस। पानीपाई हटहटा हेले पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल। पानी जल समस्या समाधान न होवारु लोकप्रतिनिधि को घेरिले ग्रामवासी। दीर्घ वर्षर प्रतिश्रुति पर भी जल जोगानु वंचित नखरा पंचायतवासी, समस्या समाधान नहले वोट वर्जन पाई चेतावनी। आकस्मिक नुहे सुचिंतित षडयंत्र, मनीष का मर्डर पछरे बिजनेस विवाद। रिमांड बेले बड़ प्रमाण खोज पुलिस, सामना को आसला नुआ प्री प्लांड मर्डर थ्योरी। सेबटे तदंत को नहीं खुशी नहांती बापा तथा वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास। टी20 विश्वकप आरंभ ओमान रोमांचकर विजय, 10 विकेट्रे पपुआ न्यूगिनी को कला परास्त। सेबटे आउ एक मैच रे स्कॉटलैंड बांग्ला शिकार। आज भारत इंग्लैंड मध्य अनुष्ठित अभ्यास मैच, जुव चेहरा प्रदर्शन उपर नजर। तो सकालर बड़ा खबर आरंभ करने बुलेटिन। विधायक प्रदीप पाणिग्राही घर विजिलेंस चढ़ऊ कर दीर्घ 22 घंटार विजिलेंस जेरा पर विजिलेंस टीम तांको सरकारी बासभवन फेरी। राति तमाम प्रदीप घर विजिलेंस पक्षर जांच चली। सकालु सकालु जेरा सर विजिलेंस टीम प्रदीप सरकारी बासभवन बाहर देखा मिलता। जांच समय बासभवन में प्रदीप पाणिग्राही समेत सासु झिया झियारी पुतुरा मध्य उपस्थित थिले। पूर्व प्रदीप पाणिग्राही केस रे अभियोग करिथिबा विजिलेंस को लोकायुक्त तदंत पाई निर्देश देथिले। यहा विरोध में विधायक प्रदीप पाणिग्राही जाइथिले हाईकोर्ट, ताकु ग्रहण करी हाईकोर्ट लोकायुक्त निर्देश को खारज कर देथिले। लोकायुक्त न्यायिक संस्था होई भी हाईकोर्ट जजमेंट को चैलेंज कले, हाईकोर्ट ताकु भी खारज कर देले। 6 पेजर जाल अर्डर को हाईकोर्ट का अर्डर दर्शाई सुप्रीम कोर्ट को जाते लोकायुक्त। सुप्रीम कोर्ट रु पिटीशन प्रत्याहार पर आवेदन कर लोकायुक्त, जहाँकि हाईकोर्ट का अर्डर कपिर जालियाती होता अभोग आसी। बड़ कथा विजिलेंस तदंत करना से मामला एवं सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन रही। सर्वोच्च कोर्ट ही चूड़ांत राय देवे, हेले ता पूर्व पुणी विजिलेंस रेड उपरे अनेक प्रश्न सृष्टि होई। संपर्क में अधिक अपडेट पाए सहित जोड़ी होती प्रदीप पाणिग्राही सरकारी बासभवन निकटू प्रतिनिधि आदित्य अभिनय। अभिनय जानवाक चाहबू जे 22 घंटा धरी
रेड कले जेरा कले कौन हासिल है एक तो यह बेनियम कारण सुप्रीमकोर्टे जेहेतु मामला विचाराधीन अच्छी ता सत्वे विजिलेंस अधिकारी माने 22 घंटा धरी कौन करुले कौन पचारुले कौन जांच करुले जिते बड़े बाहर घर विजिलेंस अधिकारी माने किसी प्रतिक्रिया देखते कि गणमाध्यम को निश्चित भाव कहीपर कौन सी प्रतिक्रिया देना राति तमाम रेड जारी रही है आम तमाम नजर रखु खबर उपर कि कौन प्रकार प्रतिक्रिया मिलता ना विधायक मिलता ना कौन विजिलेंस अधिकारी मिलता तेरे आग को प्रेस विज्ञप्ति मध्यम जहाँ आम जहाँ आशा करुच्छ तेरे केते जन अधिकारी थिले एवं घरे तांकर किए किए थिले से संपर्क में किसी डिटेल आसुची की खबर आदित्य गोपाल विधायक डॉक्टर अरविंद तेरे गोपाल विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिरेखा पुणी थे अड़ुआ पड़ते भुवन स्थित लोकायुक्त ठार अनुमति पाया विजिलेंस विभाग विधायक पछरे पड़ जा तेरे कटक विजिलेंस टीम और ब्रह्मपुर विजिलेंस टीम मिलित चढ़ाव ब्रह्मपुर विधायक संपर्क और सहयोग चढ़ाव कर गत काली ब्रह्मपुर सहर समेत आखपाख अंचल संपर्क सहयोग घरे और भुवनस्थित सरकारी बासभवन भरी 15 स्थान में एककान चढ़ाव कर खोर्ताल करता विजिलेंस टीम तेरे एने विजिलेंस विभाग जड़े एसपी दुईज एएसपी और 15 जन डीएसपी चढ़ाव करते तेरे 23 घंटार सरी सरी माराथन जरा राति तमाम आय बहिर्भूत संपर्क चली था जांच बासभवन पानी समेत उपस्थित अच्छा शाशु झील और झीहरी पुतुरा तो आदित्य अभिनय प्रतिनिधि जो भाई भाव सूचना दूसरे कि 22 घंटार अधिक समय धरी जेरा चली विजिलेंस अधिकारी मैंने जिते प्रवेश करते हाथ में बड़ ट्रंक बैग सब नहीं जाते तो से कौन आणिक आसिले कौन मिलला ए चढ़ऊरे एवं जो जेरा करते जेरा कौ संपर्क करुले से संपर्क में सविशेष तथ्य बर्तमान सुधा मिल पारिना ब्रह्मपुर आ कटक्र विजिलेंस टीम मिलित भाव में चढ़ाऊ करते तेज आपन को पूर्वर कही सारी कही सारू जे विजिलेंस चढ़ाऊ नहीं कि लोकायुक्त जितेबले निर्देश देते प्रदीप पाणिग्राही चैलेंज कर हाइकोर्टे हाइकोर्ट लोकायुक्त आदेश को खारज कर देते परवर्त समय लोकायुक्त एक न्यायिक संस्था हुई से भी हाइकोर्ट रिट पिटिशन दाखल हाइकोर्ट खारज कर देते जहाँ अभियोग आसी हाइकोर्ट अर्डर नकली कपी बा हाइकोर्ट अर्डर जो रही भूल कपी ताकु सुप्रीम कोर्ट जाइले लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट एवं जाल अर्डर को देखा कि सुप्रीम कोर्ट रे मामला सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करते लोकायुक्त जहाँकि विचाराधीन रही स्थित विजिलेंस जाकि प्रदीप पाणिग्राही घरे चढ़ऊ करवा ये बड़ा प्रश्न सृष्टि हो जे लोकायुक्त एक न्यायिक संस्था हुई मध्य हाइकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हाइकोर्ट अर्डर खिलाफ करिबा एवं सुप्रीम कोर्ट रे मामला विचाराधीन थिबा बेले विजिलेंस को आधार रे जाकि चढ़ऊ कला सी हूँ सबुठू बड़ प्रश्न प्रदीप प्राणीग्राही आय बहिर्भूत संपत्ति बा बेआईन संपत्ति अच्छी कि नहीं कौन कारबार अच्छी कि नहीं सी भिन्न कथा तार जांच होगा आवश्यक कि नहीं किंतु हाइकोर्ट का निर्देश परे सुप्रीम कोर्ट रे मामला विचाराधीन थिबा बेले किभली भावरे विजिलेंस से सबुकु ए न्यायिक संस्था को बेखातिर करि जाय चढ़ऊ कला सी बड़ा प्रश्न सृष्टि करिछि परवर्ती खबर को जीवा लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा जारी रही है आहरी गोटे दिन वर्षा हो आकलन कर आज 4 जिले में प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर सबु जिलागुड़ी है बालेश्वर जगत सिंहपुर केन्दुझर और सुंदरगढ़ ए सबु जिले में प्रबल वर्षा सहित वज्रपात आशंका रही पाणिपाग विशेषज्ञ सूचना देते ए समय लघुचाप सक्रिय रोता बेले स्थलभाग सहित समुद्र में पवन रेग बढ़ा आशंका करा जाउछि जहाँ कुने आसंता काली जाए मत्स्यजीवी मानंकु समुद्र को जीवाकू बारण करा जाइछि।
अधिक अपडेट पे हम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती। स्वप्न जो भाई भाव में बर्तमान खबर आसूची जे जो कथा पाणीपाग विभाग कहुला चारि जिला को येलो वार्निंग दि जाइला ए चारि जिला बाद अन्य जिला गुड़िकर भी वर्षा जारी रही खबर आसूची तो कौन अच्छे अपडेट सकालर अपडेट कौन रही पाणीपाग विज्ञान केन्द्र क्यों क्यों जिला वर्षार प्रभाव रो दिन पर्यंत र जो भाव में वर्तमान वर्षा विभिन्न जिला मानक लग रही गत 24 घंटा रिपोर्ट जब देखा तेल भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र विभाग पक्षर जहाँ सूचना रही गत काली जो उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में जो लघुचाप सृष्टि होता वर्तमान ता उत्तर तेलंगाना अधिक रु अधिक सक्रिय हो जो उत्तर आंडामान सगर में जो घूर्णिवलय सृष्टि होता ता वर्तमान समुद्र पतन 5.8 किलोमीटर उच्चतार रही वायुमंडल आड़ अधिक रु अधिक स्तर में व्यापुच तेणु गत जो आसंता 24 घंटा मध्य अधिक रु अधिक वर्षार संभावना रही राज्यर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफ वर्तमान जहाँ स्थिति रही 16 जिला को येलो वार्निंग जारी कर 16 जिला भितर 4टी जिला यथाक्रमे जब देखा सुंदरगढ़ मयूरभंज बालेश्वर और केन्दुझर ये 4टी जिला को अधिक वर्षार संभावना रही आज जहाँ रिपोर्ट रही सका विभिन्न राज्य विभिन्न जिला मानक वर्तमान सका मेघर मेघ आसन्न रही विभिन्न जिला मानक वर्षा लग रही सहित घड़घड़ी रोचे और जहाँ कहु आसंता 24 घंटा मध्य उत्तर और दक्षिण ओडिशा अर्थात गंजाम गजपति कोरापुट रायगड़ा कंधमाल बौद्ध ये तमाम अंचल अधिक रु अधिक वर्षा रहा जो 4टी जिला सहित 16टी जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी कराई एवं कहुई जे मत्स्यजीवी मानक समुद्र को वर्तमान मना कर कहीं झटका पवन बेग जहाँ रहा 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन रहा कह वर्तमान जहाँ स्थिति रही अधिक रु अधिक वर्षा संभावना रही कहला दशहर पूरा भिजब ओडिशा ता टी वर्तमान वर्तमान जहाँ कहुपे कि वर्षार अधिक रु अधिक संभावना रही विभिन्न जिला मानक वर्षा लग रही गत आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर और मयूरभंज सुंदरगढ़ केउंझर ये तमाम अंचल को अधिक वर्षा हेब एवं मत्स्यजीवी मानक समुद्र को मना कराई ता सहित विभिन्न जिलापा मान सतर्क रही सूचना दी जाइए कहीं विभिन्न समय आम देखते जलबंदी समस्या सामना को आसे तेणु किभली लोक मैंने सुविधा रहीपरि और जलबंदी समस्या न हो से गुरुत्वारोप दि जाऊँगी जहाँ बड़ कथा सामना को आसूँ जे बालेश्वर में सबुठ अधिक वर्षा होती 94.8 मिलीमीटर वर्षा एवं भुवनेश्वर सब कम वर्षा सेपटे गत 24 घंटा रिपोर्ट धन्यवाद स्वप्नांजलि सूचना स्वप्नांजलि महांती आम प्रतिनिधि जो भाव सूचना दौले कि 4टी जिले प्रबल वर्षा और 16 जिले में वर्षार प्रभाव पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी 16टी जिले में येलो वार्निंग जारी कर तार प्रभाव में विभिन्न जिले में वर्षा लगातार भाव में जारी रही वर्षा आनी वित्पात केरल तांडव रचि प्रकृति प्रबल वर्षा सांग को भूस्खलन चली जा 20 रु अधिक लोकंर जीवन ए गोटे पर भी रही अनेक लोक एवंबी निखोज अच्छा वर्षा आणला वित्पात केरल तांडव रचिला प्रकृति प्रबल वर्षा सांग को भूस्खलन चलीगला 20 रु अधिक जीवन एथिरे गोटे पर रही 6 जन सदस्य अनेक लोक एबे भी निखोज अच्छा थरे ही दृश्य को देखु यह आपण छाती को मध्य थराई देव जुआड़े नजर पकाइबे खाली पानी आउ पानी बोधे प्रकृतिर एभली कराल रूप को पूर्वर केबे देखि नथिबे केरलवासी वर्षा जे एभली तांडव रचिब ताहा पाणीपाग विभाग मध्य आकलन करिपारिनथिला चाहू चाहू संपूर्ण अंचल हो जाइथिला जलमग्न सेपटे आगामी 24 घंटा जाए प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग बेसिकली कल क्या था एक लो प्रेशर एरिया था साउथ ईस्ट अर्गेंसी एडजॉइनिंग केरला में तो आज वो सुबह लेस मार्क हो गया लेकिन स्टिल उसके प्रभाव से कल वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा मोर देन 20 सेंटीमीटर वहाँ पे और आज जो वह ट्रफ मॉर्निंग में लेस मार्क हो गया और अभी जो उसका कंडीशंस है अभी एक ट्रफ ऑफ लो टाइप अभी है वहाँ पे जो हमने अभी आज दिया है साउथ इंटीरियर कर्नाटका से लेके साउथ तमिलनाडु उसके प्रभाव से आज हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द मोस्ट हैवी मीन
और मैक्सिमम 6 से 7 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकती है। केरल सरकार निवेदन पर उद्धार कार्य लागी पड़ी स्थल सेना नौसेना एवं वायुसेना अधिकारी उद्धार कार्यपाई हेलिकॉप्टर को मध्य स्टैंड बाय रे रखा जाइछि। सेहिपरि 11 टी एनडीआरएफ टीम वर्षा और बन्यारे फसी रही लोकों उद्धार कार्य नियोजित अछन्ति। केरल स्थित नहीं मुख्यमंत्री विजय पिनाराई कथा होती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एथस समस्त नागरिकों सुरक्षा और कुशल मंगल प्रार्थना कर प्रधानमंत्री केरल को समस्त प्रकार सहायता जोगाई देवाक प्रतिश्रुति केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह तेरे वर्षा नहीं 19 तारीख जाए केरल आलर्ट जारी करा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रथम खबर आगक भी रही गुरुत्वपूर्ण खबर कि समय गोटे छोट विरतिर दुदिनिया ओडिशा गस्तर केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर में AICTE और IOSR मध्य MOU स्वाक्षर कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री जोगदेवे। आज अपराह 4 समय ही MOU स्वाक्षर हो पूर्व VC माध्यम केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान AICTE मध्य आलोचना होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल व्यवहार कर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पाठ्यक्रम को किपर शीघ्र ओडिया अनुवाद से नहीं आलोचना करा द्वारा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम इंग्राजी पुस्तक को ओडिया अनुवाद करने प्रयास होद्वारा ओडिया छात्र छात्री को इंजीनियरिंग होगा स्वप्न में भाषा आउ प्रतिबंधक साजीव ना। कलाहांडी सनसाइन पब्लिक स्कूल रो प्रिंसिपाल ममिता मेहर को अभियुक्त गोविंद साहू मंद उद्देश्य रखी अपहरण करितेबाने बलांगीर सिंधेकेला थाना रे FIR होईची। ए होची सही FIR रा कॉपी ममितांक भाई बंटी मेहर देइतिबा ही FIR रे लेखा होची। अक्टोबर 8 तारीख रे ममिता सकाळ 5:45 समय रे कंटा बांझिरु महालिंगी जीवा बस रे निजर कार्यस्थल महालिंग को जाउथिले किंतु चांदा तोरा छकरु गोविंद साहू तांको भौणी को अपहरण कर FIR को आधार करी पुलिस गोविंद नारे सिंधेकेला थाना रे दफा 366 लगाई तदंत आरंभ करी। दफा 366 अर्थात मंद उद्देश्य रखी अपहरण करवा सेपटे ममिता निखोज अभियोग पर स्कूल मालिक गोविंद साहू को सिंधेकेला पुलिस उठाई नहीं किंतु किछि सूचना नहीं। बलांगीर और कलाहांडी पुलिस पूरा चुप ए प्रसंग में महालिंगी कलेजर युक्त दुई महाविद्यालय अध्यक्ष को भी उठाई नहीं पुलिस। अक्टोबर 8 स्कूल को जीवा को कही स्कूल रे पहुंची नथिले ममिता मेहर तांको अपहरण कर अभियोग होता। ए संपर्क में अधिक अपडेट पाई आम सहित जोड़ी होती बलांगीर आम प्रतिनिधि तरुण साहू। तरुण सिंधेकेला पुलिस जो भाव में ममिता भाई एतला 366 दफा लगे गोविंद साहू का विरोध रे किंतु वर्तमान पर्यंत तांकु गिरफ करिबा प्रसंग रे पुलिस किछि सूचना देलानी कि उठे नहीं कि पचरा उचरा करुचिबा जो खबर गत कालीठु आसुची जे तांकु गिरफ प्रसंग रे किछि सूचना आसिलानी कि पुलिस किछि मुह खोललानी कि सिनेकेला पुलिस से प्रसंग रे देखु शक्ति से जितेबले गत काली खबर आसुची राति रे जो अभियुक्त रही सनसाइन स्कूल मालिक गोविंद साहू को धरवापी जहाँ खबर आसुची गोविंद साहू वर्तमान फेरार होती जहाँ गत काली राति 11:30 धरवापी बस जोगे से भुवनेश्वर जाने पुलिस पाखे गुईंदा खबर रही ठीक 11:30 पर सोनपुर एवं बौद्ध दुईट स्थान में पुलिस नाकाबंदी करा जेहेतु बलांगीर सोनपुर को जिते बस जा सब बस गुड़िकर पुलिस पूरा सन्नत नगर जांच करी एवं जहाँ वर्तमान खबर आसूँ गोविंद साहू जिते आम खबर प्रसारण करूँ गोविंद साहू को पुलिस उठे नहीं किंतु वर्तमान जहाँ खबर आसूँ गोविंद साहू फेरार मारी गत काली राति धरवापी पुलिस नाकाबंदी कर बलांगीर जो सोनपुर गोटे स्थान में बौद्ध जिले में गोटे स्थान एपरिक विभिन्न स्थान में पुलिस राति तमाम नाकाबंदी कर खबर आसू किंतु जदि देखा जे बंटी मेहर जो पीड़िता अच्छा ममिता मेहर निखोज हाँपर तक भाई थाना रे अभियोग करते गत 8 तारिख रे किंतु मामला रुजु होती
गत 13 तारीख में एफआईआर रुजु हो सिंधेकला थाना कि पूरा घटना को देखिले क्योंठी ना क्योंठी पुलिस तदंत गोटे प्रकार दिगहरा होती है और गोविंद साहू अभियुक्त गोविंद साहू फेरार होबारे सहयोग कर पर्याप्त सुजोग दि जाए जो से फेरार होबारे सक्षम होती किठार आउ गोटे कथा जितेबाला सनशाइन पब्लिक स्कूल मालिक गोविंद साहू और घनिष्ठ सहयोगी कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र कथा उठू तो निहाती भाव में पुलिस तदंत कले पूरा सत सामना को आसो किंतु सनशाइन तरुण जो खबर आसूला जो पुलिस गोविंद साहू को नहीं क्योंकि पचराउचरा करुच्चे से खबर भूल था एवं पुलिस प्रकृत में खोजुच गोविंद साहू फेरार अच्छा पुलिस एक स्वीकार कर निहाती भाव में देखो शक्तिशाही जिते बड़े गत काली साढ़े राति एगारटे गोविंद साहू फेरार थे खबर आसला और पुलिस ताकू धरवाई पुलिस विश्वस्तर खबर पाई और प्रकाश करना किंतु गोविंद साहू को धरवाई उभय सोनपुर बलांगीर सोनपुर बौद्ध जिलार भिन्न भिन्न स्थान में पुलिस नाकाबंदी कर राति दुई अढ़ाईटा पर्यंत तो यही खबर आसूँ बर्तमान जहाँ जमापड़ी गोविंद साहू को पुलिस उठे नहीं खबर गोटे प्रकार भूल था और भूल इनफर्मेसन पुलिस प्रशासन तरफ दि जाता कि अधिक समय बीतवा पर पुलिस खोजा राति अधिया एवं से फेरार हो जा कथा कहवा अर्थात पुलिस जाणीशु गोविंद साहू को सुजोग देला कि फेरार होगापी जदि गिरफ कर आरंभ जेबेठ दिगला निखोज नहीं कि एफआईआर दिगला गोविंद साहू को विरोध में अभोग करागला पुलिस कहीं गिरफ करून कहीं खोजुन तो पुलिस जाणीशु गोविंद साहू को फेरार हवा पाई सुजोग दे कि देखो शक्तिशाही जिते बड़े ममिता मेहर निखोज नहीं भाई सिंधेकला थाना अभियोग कले रिटर्न अभियोग कले से पुलिस एक्टिव मोड को आसबार था जी अप्रहुता होती मोबाइल को ट्राक कर प्रथम अप्रहुता ममिता मेहर को उद्धार करने पुलिस कार्यानुष्ठान नवा कथ आक्शन मोड को आसवा कथ द्वितीय पर्यायर जहाँ ना अभियोग होती सिंधेकला थाना आनी पचराउचरा करने कथा जबत करने कथा ठू सविशेष तथ्य आधार करने कथा ममिता मेहर को उद्धार करने गोविंद साहू तथ्य संग्रह करवा कथा किंतु दुईट जिनस जाक बलांगीर सिंधेकला पुलिस कला ना जो कि बर्तमान जहाँ खबर आसूसी गोविंद साहू फेरार मारी सनशाइन पब्लिक स्कूल मालिक तरुण साहू आम प्रतिनिधि सूचना जो थे पुलिस एवं कहे गोविंद साहू फेरार अच्छा खोजुची दुईट जिले में सिंधेकला पुलिस टीम किंतु 10 दिन पर्यंत से पुलिस करूला कौन जब एतला दिगला ममिता मेहर का भाई वंटी मेहर एतला आधार रे 10 दिन पर्यंत कहीं खोजी नाला कहीं गिरफ्त करी ना 10 दिन पर ए पुलिस जे गोविंद साहू फेरार बोली तो जाणीशु पुलिस तंको फेरार हबारे सहयोग कला कि जेहेतु कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र गृह राष्ट्रमंत्री घनिष्ठ सहयोगी होती गोविंद साहू तेणु ए सब केवल खोजार बाहाना करुच्छी कि सिनेकला पुलिस एवं जाणीशु गोविंद साहू को समय दे फेरार हो ये बड़ा प्रश्न सृष्टि कर ममिता बेहर अपहरण घटना परवर्ती खबर को आसवा भुवनेश्वर यूनिट 1 कलिंग मार्केट रही सोमनाथ साहू का काकरा दुकान कपिलेश्वर बासिंदा सोमनाथ का न्यारा ही दुकान को पड़ी 50 वर्ष दिने एठारे सोमनाथ का बापा त्रिनाथ साहू ग्राहकों को 10 पैसा परसी देउथिले उड़िया घर सबुठ प्रिय काकरा पिठा एवं समान स्वाद व्यवहार और गुण बजाय रखी लोकों को पारंपरिक पिठा रे आप्यायित करुछंति सोमनाथ गोटा प्रति 10 टंकारे दिन को 1000 रु अधिक काकरा बिक्री होउथिबारु काकरा मौसा नारे से बेस लोकप्रिय कढ़ई में फुटुची क्षय खांटी क्षयर बास्तार महकित हो उठुची परिवेश पर्वपर्वाणी दिन गुड़िक घर गुड़िक देखा मिलुवा दृश्य एभली भाव एठारे दैनिक देखा मिलू चाली चटुरे कढ़ई छणा चली काकरा पिठा कढ़ई थाली को आसवा मात्रे अपेक्षा कर लोकों हाथ को गरमागरम बढ़ाई देउछंती नियोजित कर्मचारी एभली दृश्य देखा मिलू भुवनेश्वर यूनिट 1 कलिंग मार्केट भितर सोमनाथ साहू को दुकान भितर सोमनाथ को यही दुकान को एबे पूरी 50 वर्ष बापा त्रिनाथ साहू 1970 में यह आरंभ करते
ସେତେବେଳେ କାକେରା ଗୋଟିକର ଦାମ ଥିଲା 10 ପଇସା। ସେଦିନର କିଶୋର ସୋମନାଥ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଶିଖିଥିଲେ। ସୋମନାଥ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ପିଠା ପ୍ରତି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଗ୍ରହ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପିଠାରେ ମୁହଁ ମିଠା କରୁଥିବା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଏହି କାକରାର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ନିଆରା। ନାଇଁ ଏଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ପାଗଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି, ମିଠା ଠିକ୍ ଯାହା ରହିବା କଥା ରହୁଛି, ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ବି ସେମାନେ ଛାଣୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି ତ ଭଲ, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 10 ପଇସା, ତାପରେ 15 ପଇସା, 20 ପଇସା, 25 ପଇସା, 25 ପଇସା ହେଲା 50 ପଇସା, ତାପରେ ଟଙ୍କା, ତାପରେ ତ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ଇଏ କରିକି ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଯୋଗାଉଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି। କଡ଼େଇରୁ ପିଠା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପଦୀପ ଓ ଝୁଣାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଠା ତିଆରି ଯେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ବାତାବରଣ ଭିତରେ କାକରା କରନ୍ତି ସୋମନାଥ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସୋମନାଥ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ସୁଜି ଓ ଚାଉଳ ଚୁନା ମିଶାଇ ଜନ୍ତୁଣୀ ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ତୁଣୀ ଦଳିବା ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାର ମହକ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଏବେ ଏକାକୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପିଠାରୁ ଦୈନିକ 6,000-7,000 ଟଙ୍କାର ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ରହିଲିଣି ପ୍ରାୟ 2006-7 ମସିହାରୁ। ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନଡ଼ିଆପୁର କରେ, ଏଠି ଆସିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ତିଆରି କରେ, ତାପରେ କାକରା କଲାବେଳେ ଟିକେ ମିଶିଦିଏ, ଛଣାଛଣି କରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠାପଣାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ କରି ସୋମନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ 2 ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଖବରରେ, ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।